क्योंकि एक हदीस का मफहूम क्या है, जैसा पढ़ता जा चढ़ता जा, क्या था वो, कुरान पढ़ता जा और चढ़ता जा, उतने लेवल्स ऑफ जन्नत, और जन्नत के लेवल्स कितने हैं, 100 है, और डोर्स कितने हैं, 8 डोर्स है। तो वैसे ही जब हम इल्म हासिल कर रहे हैं, और हमारा इल्म हासिल करने का मेन मकसद क्या है, कि अल्लाह को प्लीज करने का है, बल नमाज भी नहीं पढ़े, लेकिन उनका इंटेंशन क्या था, सिर्फ अल्लाह के लिए, उनके दिल में क्या था, तो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला अपने कोशिशें देखता और उससे कोशिशों से राजी और खुश होता। तो पहली चीज क्या है जो आप पढ़ रहे हैं, आपके लिए मरहबा है, मुबारकबादी है, माशाल्लाह आप सब बहनों के लिए, आप सही रास्ता चूज कर लिए। अब ये रास्ते पे जम जाना है, छोड़ जाना नहीं है। अब जैसे कुछ लड़कियां मैं देख रही हूँ कि शादी नहीं हुई, कुछ शादी हो गई, कोई स्कूल जा रहे हैं, कोई माए हैं, कोई उससे बड़े हैं, कोई दादी है, कोई नानी है, कोई बात नहीं, ये इल्म महद से लहद तक पढ़ना ही पढ़ना है, हासिल करना ही करना है। ये नहीं सोचना अच्छा मैं तो 10 साल दे दी, 15 साल दे दी, कोई बात नहीं है, पूरी जिंदगी दे दीजिए, क्या फायदा होगा इसका। जो खबर में जब हम 3 सवाल का जवाब देंगे तभी हमारी जन्नत या दोजख की खिड़की खुलेंगी, राइट। जब खबर में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, अब इसमें कोई कोताही नहीं कर सकते। आप देखे होंगे जब आप मेमोराइज कर रहे हैं, मक्की मदनी कहते हैं ना स्टार्टिंग में, अब ये सूरा है मदनी है, सूरतुल बकरा, इट्स अ मदनी सूरा, बहुत लंबा सूरा है और उसके आयतें ज्यादा है, और सूरे बकरा पढ़ा करो, ये बायस रहमत है और छोड़ देना बायस हसरत है, और शयातीन गालिब नहीं आते, सूरतुल बकरा की ये हदीस है। वैसे ही जब हम कोई चीज भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अमल करने के लिए कर रहे हैं, तो मतलब आप सही डायरेक्शन पे हैं। आप देखिए आजकल स्मार्टफोन में हम क्या करते हैं, डायरेक्शन डालते हैं। अब मुझे यहाँ पर आना था तो मैं क्या करी, डायरेक्शन डाली कि अच्छा मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो वो डायरेक्शन सही यहाँ पर पहुंचा दिया। तो हमारा डायरेक्शन क्या है, एहदीना सिरातल मुस्तकीम, और कैसा सिरातल मुस्तकीम है, अनंतालिंग गैरिल मगदूब वलद्दौलिन, गैरिल मगदूब नहीं चाहिए, मगदूब क्या है, गदब से है, ऐसा रास्ता नहीं चाहिए जिसमें अल्लाह सुभान अल्लाह ताला गुस्से में आए, ठीक है, और दौलिन भी नहीं चाहिए, गुमराही का रास्ता। दो तरह के रास्ते हो सकते, एक है इल्म हासिल कर रहे हैं अमल नहीं कर रहे, एक है कि ना इल्म हासिल कर रहे हैं ना अमल कर रहे, सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो जरूरत ही नहीं है, अगर मैं इल्म हासिल करे तो मुझे अमल करना पड़ता, तो इससे बेहतर है कि मैं इल्म हासिल करूँ ना अमल। अनमता लहीन करना है, इनामी आफ्ताब जैसा सहाबा इकराम है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे प्यारे रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके उम्मती है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे, कब करेंगे, जब हम अच्छे अमल करके जाएंगे, और अच्छे अमल में तौहीद बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद के लिए 13 साल मक्का में गुजारे, 13 साल, उसके बाद हिजरत करें मदीना में, तो तौहीद बहुत इम्पोर्टेंट है, कोशिश करना कि तौहीद पे अड़ जाए, जम जाए, और कोशिश करते 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 इस हाल में कि हमारी मौत आ जाए। अब ये जो हमारा सिलसिला शुरू हुआ ये कंटिन्यू होगा इंशाल्लाह, जैसा कि जूम है, व्हाट्सएप है, आप लोगों से मैं कनेक्टेड रहूंगी, ऐसा नहीं है कि आज आए और ख़त्म हो गया, नहीं, ये सिलसिला चलता रहेगा, और आप बहनों के साथ मैं कनेक्टेड रहूंगी, और आप लोग से 1-to-1 भी मैं आप लोगों से बात करूंगी, और इसके जूम और व्हाट्सएप के जरिए भी रहेंगे। अब आज का जो मौजू मैं चूज करी है वो है रमज़ान, इस्तकबाल रमज़ान, ये था इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, हम सब यहाँ इकट्ठे बैठे, इस वक्त फरिश्ते घेरे हुए हैं, और जो आप लोग कुरान पढ़ रहे थे, कितनी खूबसूरत आवाज़ जो अल्लाह ताला को पसंद है वो है कुरान, कुरान जो आप रिसाइट कर रहे थे, आप यकीन मानिए मैं वहाँ सामने ही बैठी हुई थी, लेकिन आपके जो आवाज़ से इतनी मेरे को सुकून मिल रहा था, एक खुशी मिल रही थी, तो ये जो फरहतें एक खुशी मिलती ना वो कोई चीज में, देखिए आप जब कुरान पढ़ के जाते आप लोगों को कितना सुकून नहीं रहता, ये सुकून कहीं बाई कर सकते आप, कहीं भी नहीं कर सकते, बच्चे बड़े सब, देखिए इतना मुझे अच्छा लग रहा कि छोटे बच्चे भी है, बड़े भी है, सब है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका मेन आप लोगों का टारगेट क्या है, जन्नत है, नहीं है, सब मानते हैं ना, सब जन्नत जाना चाह रहे हैं, और वो भी जन्नतुल फिरदौस, क्योंकि आला दर्जे की जन्नत कौन सी है, फिरदौस। जब रमजान आ रहा तो क्या करते हैं हम, रमजान से रजब से ही शुरू कर देते, रजब है, अब शाबान है, शाबान में हम थोड़े दिन ही है, उसके बाद रमजान भी शुरू हो जाता,
शाबान शुरू हो गई, शाबान शुरू हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, शाबान में ज्यादा से ज्यादा रोजे रखते थे, रमजान के बाद, रमजान के बाद शाबान में ज्यादा से ज्यादा रोजे रखते थे। अब समझे कुछ खवातीन हैं जो महीने को उनके रोजे छूटते, उस वजह से उनके रोजे रह गए। इवन दो आप पैसे दे दिए, आप उसका फिदिया दे दिए, लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो ये शाबान का महीना अच्छा है, आप इसमें वो रोजे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, जो भी आपके छूटे हुए रोजे हैं। और दूसरी चीज, छूटे हुए रोजे के अलावा और क्या करना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा से ज्यादा रमजान के बाद शाबान में रोजे रखते थे, ठीक है, तो शाबान में ज्यादा से ज्यादा रोजे रखना है। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे बातें हैं वो मन घड़क है। अगर कोई सोच रहे हैं कि ये दिन ये पढ़ने से, ये दिन ये करने से, नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक हदीस ये है कि शाबान में छूटे हुए रोजे कम्प्लीट करो, 15 के बाद, स्पेशली खवातीन जो जिसके बच्चे छोटे हैं, दूध पिला रहे या प्रेग्नेंट है, उनके लिए उजर है, छोड़ सकते वो, क्योंकि जान पे बनाना नहीं है। क्या है सूरह बकरा की आयत है, उसमें क्या बताते हैं कि जब तुम सफर में है या तुम मरीज है तो तुम रोजे छोड़ सकते हो, तुम लेकिन लेटर ऑन पूरे कर लो, आपको अल्लाह सुभान अल्लाह ताला इजाजत दे रहे हैं, तो हम क्यों उसको छोड़ना चाहिए, हम वो इजाजत ले सकते, लेकिन आप दूध पिलाते हुए भी, प्रेग्नेंट रहते हुए भी अगर रोजा रख रहे हैं तो इट्स वेल एंड आप रखिए रोजा, कोई ऐसी बात नहीं। अंटिल अनलेस आपको फील हो रहा कि नहीं मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो छूटे हुए रोजे है पहले कम्प्लीट कर दीजिए। और ये शाबान में ज्यादा से ज्यादा अभी से इबादत की कोशिश करिए, और आप माशाल्लाह सब हिफ्ज कर रहे हैं तो सोच लीजिए मुझे एक बार तो कुरान पूरी कंप्लीट करना है, समझे, पूरा रीड करने की बात हो रही, हिफ्ज तो आपका चल रहा लेकिन रीड करने की बात, क्यों क्यों एक बार पूरा करना है। एंजल जिब्राइल, जिब्राइल अमीन आते थे जब रमजान में, तो दो बार कुरान कंप्लीट कराते थे, तो क्या हम एक बार भी कंप्लीट नहीं कर सकते, एक से ज्यादा मर्तबा करें तो बहुत मरहबा, बहुत खुशी की बात है, एटलीस्ट एक मर्तबा करिए। अब जब रमजान शुरू होता तो क्या होता, शयातीन को चेन में बंद कर देते। जी बताइए, रमजान जब शुरू होता शयातीन को चेन में बंद कर दिया जाता और दोजख के दरवाजे बंद कर दिए जाते और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते, और जन्नत के 8 दरवाजे हैं और 8 दरवाजे में से एक दरवाजे का नाम है बाबुर रैयान। रैयान में से कौन जाएंगे, जो रोजेदार है, और हम चाहते हैं कि हम वो रोजेदार की उसमें क्वालिफाई हो जाए। अब 8 दरवाजे है ना, कोई सदका करके आएगा, कोई नमाजे, कोई अच्छे सलूक करके, किसी को माफी तलाफी करके आएगा, तो हम एक जो दरवाजा है उसमें से कोशिश करेंगे, क्योंकि जब अल्लाह सुभान अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मैं जन्नत के दरवाजा खोल दे रहा हूँ और दोजख का बंद कर दे रहा हूँ, तो क्या नेकी करना आसान रहता, हाँ यस आसान रहता। आप कभी गौर करें, रमजान में नेकी करना आसान रहता, जब सब रोजा रख रहे हैं आप रोजा रख ले रहे हैं, जो छूटे हुए रोजे है आप यकीन मानिए पूरा साल लग जाता वो छूटे हुए रोजे कम्प्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाती। अच्छा, रमजान में ना चाहिए समझे कि पीक समर पे है रमजान, फिर भी ऐसा लगता कि स्टार्टिंग के 2-3 दिन मुश्किल होती, उसके बाद ऐसा दिखता है मेरे को तो खाने की जरूरत नहीं है, मेरे को पीने की जरूरत नहीं है, मैं रोजे से हूँ। अच्छा, रोजा जब आप रह रहे तो कौन जानता कि आप रोजे से हैं, अल्लाह सुभान अल्लाह ताला जानता। मुझे अभी भी याद है जब मैं स्कूल में थी तो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स बोलते, अरे कोई भी ना देख रहा तुम पानी पी लो, कोई भी ना देख रहा हमारे साथ लंच खा लो, हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, रब्बुल आलमीन के लिए कर रहे हैं, हमारा रब जानता है ना कि हम खाए या पिए नहीं। जब वो लोग देखते, जब नॉन मुस्लिम्स देखते, चाहे यहाँ पर हो या US में हो, इतने इंस्पायर होते, उन लोग बोलते इन लोगों के अंदर क्या चीज है, क्यों रख रहे हैं इन लोग इस तरह से, क्या दीवानगी है इनके अंदर, ये अल्लाह से मोहब्बत है, रसूल से मोहब्बत है। तो आपको मालूम है नॉन मुस्लिम्स रोजा रखना शुरू करें, नॉन मुस्लिम्स रोजा रखते, क्यों, उनकी क्या सोच रही थी कि इन लोग ये मुसलमान इतने क्यों हैं ऐसे, जो क्यों रह रहे हैं लोग रोजा, तो उन लोग कोशिश करते कि हम भी रोजा रखें और देखें कि क्या चीज है इनको इतनी इंस्पायर कर रही, तो वो लोग भी, लेकिन उनके अंदर कमी क्या है, ईमान के साथ अमल साले, बगैर ईमान के साथ अमल साले, आप अगर कितना भी अच्छे अमल करें ईमान नहीं है तो फिर आप जन्नत में नहीं जा सकते। और ये क्या है, रोजेदार जब रहता उसके लिए दो खुशियां हैं, फरहतान, दो खुशियां हैं, क्या है,